गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9th ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 5th द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सम ऑफ द पोर्शंस ऑफ दिस चैप्टर एंड ड्यू टू COVID-19 वी हैव टू स्टार्टेड ऑनलाइन स्टडीज ऑन यूट्यूब. इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सेल के बारे में, जो लाइफ का सबसे छोटा यूनिट होता है, ठीक है. और सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक्स ने, जब वो पहली बार जो है हनी कॉर्क को देखते हैं और वहाँ से उसको जो है पहली बार आइडिया आता है सेल का, ठीक है. और सेल का मतलब होता है लिटिल रूम, ठीक है. और जो कॉर्क होता है वो क्या होता है, तो देखो ट्री की जो बार्क होता है उससे ये सब्सटेंस मिलता है जिसे हम कॉर्क बोलते हैं, ठीक है. और यहाँ से ही पहली बार जो है सेल वर्ड की डिस्कवरी होती है, ठीक है. और फिर बाद में हमें यह भी पता चलता है कि सेल जो है खाली नॉन लिविंग नहीं है, सेल जो है लिविंग बींग्स भी है. और हमें पहली बार जो है एक्सपेरिमेंट करके ये पता चलता है कि जो वाटर में ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे उसमें सेल जो है वो लिविंग है, ठीक है, इस हिसाब से. और इसके अलावा हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था किसके द्वारा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, ठीक है. और उसमें हमने सबसे पहले कौन सी चीज़ की सेल देखी थी, तो ऑनियन की सेल देखी थी, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि सेल जो है सब जगह पे एक जैसा है और सेल के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है. और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, तो देखो सेल का स्ट्रक्चर जो है सब जगह पे एक ही जैसा रहता है, वो सब चीज़ें हमें पता चली थी, ठीक है. और उसके बाद हमें ये भी पता चला है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जिसमें खाली एक ही सेल पाया जाता है, ठीक है. और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं. और इसके बाद हमने डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था कि पहली बार सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, जब उन्होंने पहली बार कॉर्क को देखा था और उसमें उन्होंने ये सेल को ऑब्जर्व किया था, ठीक है. उसके बाद हमने देखा 1674 में जो है अपने अच्छे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके उन्होंने ये बताया कि पॉन्ड वाटर में जो है लिविंग सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है. इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में ये डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है. उसके बाद कुरकन जी 1839 में ये बताते कि सेल के अंदर जो है एक लिक्विड टाइप का सब्सटेंस रहता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है. और उसके बाद दो साइंटिस्ट आए थे, दो बायोलॉजिस्ट आए थे जिसका नाम था सैकलेडन और सैकवॉन, 1838 और 1839 में, ठीक है. और उन्होंने सेल थियरी दी थी प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, ठीक है. और इसके अलावा सेल थियरी को और भी किसने एक्सपांड किया था, तो वर्च्यू जो साइंटिस्ट थे 1855 में उन्होंने बताया था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल, एंड जो पहले सेल है पहले सेल से ही जो है दूसरे सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी बनते हैं नए. और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी 1940 में, और वहाँ से हमने सेल के बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर के माने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में जाना, उसको अंदर तक डिटेल तक हमने जाना, ठीक है, सेल के बारे में. उसके बाद हमें ऐसा भी पता चला कि बहुत सारे जो है ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल के भी है, जैसे एमोइबा, ठीक है, जिसे एमीबा भी बोलते हैं, और क्लेमिडोमिनास, पैरामोशियम और बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. यहाँ पे यूनि का मतलब होता है सिंगल, और मैंने ये चीज़ बोली थी कि यहाँ पे ये चीज़ को टिक कर लेना और लिख भी देना है अपनी नोट में, ठीक है. कौन सा, तो यहाँ देखो यहाँ पे होल ऑर्गेनिज्म जो लिखा है वहाँ पे हम देख सकते हैं कौन से है जो सिंगल सेल वाले, ठीक है. और यहाँ तक हमें टिक करना है उसको, यहाँ तक, ठीक है, जहाँ पे हमको ये पता चलेगा ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिंगल सेल पाया जाता है और इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है. यूनि का मतलब होता है सिंगल. और दूसरे साइड पे आता है और ऐसे सेल, ठीक है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो और उसकी बॉडी पार्ट जो है मल्टी सेल से ही बने हो, उसे क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें कौन कौन आ जाता है, तो फंगी आता है, प्लांट आता है, एनिमल आता है, ठीक है. ये दोनों डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था, ठीक है. और इसके अलावा जो पहले से एक सेल होता है वो अपने आप डिवाइड होता है और अपने जैसे नए सेल को जन्म देता है, ठीक है. इसके बाद हमने ह्यूमन बॉडी में कुछ सेल्स के बारे में बात की थी जिसके यानी फिगर जो है एकदम अलग अलग है उनके फंक्शन के हिसाब से, जिसमें हमने स्मूथ मसल सेल की बात की थी, ब्लड सेल, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म, बोन सेल और फैट सेल की बात की थी, ठीक है. अब हम आगे पढ़ेंगे. द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन. मैंने वही बोला है कि जो सेल है सेल का शेप और साइज किसके ऊपर से डिसाइड होते हैं, तो उसके फंक्शन के हिसाब से डिसाइड होते हैं, ठीक है. यानी जो जिस तरह का उसका काम होता है उस हिसाब से उसका शेप और साइज होता है.
जैसे कुछ ऐसे सेल्स भी है जो अपना शेप चेंज कर सकते हैं, जैसे अमीबा, अमीबा अपना शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी है जो अपना शेप जो है चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो सेल कैसे कर सकता है, तो देखो अपना साइज छोटा भी कर सकता है और बड़ा भी कर सकता है, इसके अलावा फिक्स भी रख सकता है, ठीक है। और नर्व सेल की बात करो तो उसकी एक टिपिकल शेप है, ठीक है। उसके शेप के बारे में हम परफेक्टली नहीं बोल सकते कि उसका शेप किस तरह का है, क्योंकि उसका शेप जो है हर जगह पे अलग अलग होता है। और एवरी लिविंग सेल हैज़ ए कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टन बेसिक फंक्शन दैट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग फॉर्म्स, ठीक है। अब देखो जितने भी सेल है वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो है अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। और हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन, वी नो दैट देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनम सच एज ह्यूमन बींग्स, दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। हमें ये तो पता है कि हमारे बॉडी में जो है बहुत सारे सेल्स हैं और हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, ठीक है। और हमारे जितने भी सेल्स हैं उसके हिसाब से सब सेल का जो है अलग तरह का वर्किंग है, क्योंकि हर सेल से जो है हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गेन बना है और हर ऑर्गेन का जो है अलग अलग काम है, ठीक है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट, तो देखो जैसे हमारे हार्ट की बात करें तो हार्ट भी जो है सेल से ही बना है, ठीक है। और इसका काम क्या है, तो ब्लड को पंप करना, ठीक है। और इसके अलावा स्टोमक है वो भी सेल से ही बना है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है ऑर्गेन्स अलग अलग काम करती है। मगर उसी तरह से हम अगर सिंगल सेलुलर की बात करें, यानी जो सिंगल सेल वाले हैं वो काम अपना किस तरह से बांटते हैं, तो देखो इन फैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट अ सर्टन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट और नोन एज सेल ऑर्गेनली। यहाँ पे ये देखो क्या होता है, हर सिंगल सेल के पास जो है ना खुद के ऑर्गेनली होते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनली जो है यानी एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है जो अलग तरह से काम करते हैं, ठीक है। सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल। और यहाँ पे देखो ये ऑर्गेनली का काम क्या है, तो ये सेल ऑर्गेनली क्या करते हैं, तो अलग अलग वर्क करते हैं। और यहाँ पे सेल में जो है जितना भी मटेरियल वेस्ट नया होता है उसे पहले एब्जॉर्ब करते हैं, और उसमें से अगर वेस्ट निकलता है तो उसे बाहर निकाल देते हैं वो सेल के, ठीक है। और सो ऑन, और ए सेल इज एबल टू लीव एंड परफॉर्म ऑल द फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनली। और इसीलिए एक सिंगल सेल वाला भी जो है ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो सारे तरह के फंक्शन कर सकता है क्योंकि उसमें सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनली नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। तो देखो इसी तरह से हर सेल में जो है सेल ऑर्गेनली पाया जाता है, और हर सेल ऑर्गेनली का जो है अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। और इसी तरह से जो है हर सेल जीते। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिखे हैं कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो यहाँ पे हमको पता है कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी सेल की, और उसे किससे ये आइडिया आया था, तो कॉर्क से, जो बार्क ऑफ ट्री था, ठीक है। और उसके बाद व्हाट इज़ द सेल कॉल्ड, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो देखो यहाँ पे सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब चीज़ किससे बनी है, तो सेल से बनी हुई है, ठीक है। और सेल बिना जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेल के वजह से ही जो है सब ऑर्गेनिज्म बने हैं। अब यहाँ पे व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सेल। तो देखो यहाँ पे ऐसा पूछा गया है कि सेल किससे बनते हैं और सेल का ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो एवरी सेल यानी सब सेल में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, तो एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, दूसरा होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज़ जो है हर सेल में पाई जाती है। ऑल एक्टिविटी इनसाइड द सेल एंड इंट्रैक्शन ऑफ द सेल विद इट्स आर पॉसिबल ड्यू टू दिस फीचर, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की वजह से ही जो है सेल अपने सब वर्क कर पाता है, ठीक है। यानी सेल को अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब करनी हो तो भी वो किससे कर सकेगा, तो ये सब चीज़ों से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये क्या है, तो देखो सेल के कुछ पार्ट है जो उसको जीने में मदद करती है, ठीक है। और जितना भी मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करना होता है वो एब्जॉर्ब इससे ही कर पाता है, और फिर जो वेस्ट निकालना होता है तो इससे ही निकालता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पे हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स या तो सेल मेम्ब्रेन्स की हम बात करेंगे, तो ये क्या होता है, तो देखो जो सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ना, यानी जो बाहर का हिस्सा होता है ना, वो चीज़ जो है
दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो देखो ये ऊपर का कवरिंग इलाका है सेल का, यानी ऊपर का जो सरफेस होता है ना वो इलाका है. और यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या करता है, तो कोई भी एनवायरनमेंट से कोई भी मटेरियल को एलो करना यानी एंट्री देना है कि नहीं देना वो सब डिसाइड करता है, ठीक है. और अगर वो सेल के लिए अच्छी होगी तो वो उसे एंट्री देगा, अगर वो सेल के लिए अच्छी नहीं होगी तो उसको एंट्री नहीं देगा, ठीक है, इस तरह का. और इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट मोमेंट्स ऑफ सम अदर मटेरियल, ठीक है. और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो रोकता है, ठीक है. यानी इसका मतलब ये है कि सेल के लिए जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स किस तरह का वर्क करता है, तो देखो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह वर्क करता है, ठीक है. यानी नॉर्मली वो क्या करता है, जो यानी सेल को, सेल के लिए अच्छी चीज़ है उसे वो एंट्री देगा और जो अच्छी नहीं है उसे वो बाहर फेंकेगा, ठीक है. द सेल मेम्ब्रेन्स देयर इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स, ठीक है. यहाँ पे इसीलिए सेल मेम्ब्रेन्स को जो है क्या बोला जाता है, परमेबल मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है, ठीक है. जिसमें हम देखते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी मटेरियल को एब्जॉर्ब करना है, उसकी एंट्री करनी है कि नहीं, ठीक है, उसको एंट्री देनी है कि नहीं, वो सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स डिसाइड करता है, ठीक है. और हाउ डज द मोमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल. सम सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स बाय द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. तो देखो कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं एक प्रोसेस के वजह से. तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स में जाते हैं कोई प्रोसेस से, और उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न, ठीक है. और डिफ्यूज़न के बारे में हमने ऑलरेडी 8 में पढ़ चुके हैं, ठीक है. और वी सो दैट देयर इज अ स्पोटेशियस मोमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन वेयर इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज लो, ठीक है. और ये सब्सटेंस एंटर कहाँ से करता है, जहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है वहाँ से एंटर करता है, और फिर निकलता कहाँ से, जहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से वो निकलता है, ठीक है, इसी तरह का. तो यहाँ पे हमने देखा कि सेल जो है दो सब्सटेंस को किस तरह से एंटर करता है, ठीक है. तो देखो दो सब्सटेंस हमने बात की, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात की थी, जो क्या बोलते हैं सेल के अंदर एंटर होती है. जिसमें हम CO2 की बात करें तो CO2 जो है वो सेलुलर वेस्ट है, CO2 का इस्तेमाल सेल नहीं करता है, और वो अपने सेल से यानी सेल के अंदर अगर वो CO2 प्रेजेंट होगा तो उसे वो निकाल फेंकता है, ठीक है, एक्सेलरेशन मेथड से, ठीक है. और एक्युमुलेटेड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल एंड इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरमेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल, ठीक है. और हम यहाँ पे देख सकते हैं CO2 की जो मात्रा होती है वो उसके अंदर बहुत ही कम होती है, क्योंकि O2 चाहिए होता है सेल को, ठीक है. यानी सेल को जो है क्या चाहिए होगा, ऑक्सीजन चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर प्रेजेंट होती है उसे भी वो बाहर निकाल फेंकता है. और कौन से प्रोसेस से, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है, ये हुआ. अब देखिए एक और चीज़, यहाँ तो हुई हमारे रेस्पिरेशन की बात, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का था, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो सेल के लिए अच्छा होता है और उसको वो एंट्री देता है, और उसके बाद CO2 जो प्रेजेंट उसके अंदर होता है ना उसे वो बाहर फेंकता है, ठीक है, और उसे एंटर नहीं होने देता. अब इसके अलावा वाटर भी एक जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसके लिए, तो सेल के लिए, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल्स की भी ज़रूरत पड़ती है सेल को, और सच ए सेलेक्टिवली प्रोमिनेंट मेंबर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है. तो वाटर जो है उसके अंदर, यानी देखो डिफ्यूजन की तरह ही जो है वाटर को भी इंक्लूड किया जाता है, मगर उसका एक अलग से मेथड है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, ठीक है. ऑस्मोसिस के मदद से जो है वाटर जो है सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है. द मोमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है. थस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू रीजन ऑफ ए लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच, ठीक है. इसके अलावा वाटर की हम बात करें तो वाटर को जो है एब्जॉर्ब कौन करता है, वाटर जो है कहाँ से पास करता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास करता है, और उसके बाद हाई कॉन्सेंट्रेशन तक वो पहुँचता है, और उसके बाद लो कॉन्सेंट्रेशन से वो निकल जाता है, ठीक है. और इसी तरह से जो है इक्विलिब्रियम बना रहता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे मेथड दिए, यानी कुछ ऐसे थिंक दिया गया है जिसमें हम वाटर मोमेंट को देख सकते हैं ऑस्मोसिस मेथड से. तो यहाँ पे देखो, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डिल्यूट, द सेल विल गेन वाटर बाई
ऑस्मोसिस सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर विल बी कम इन टू द सेल देन विल लीव। ठीक है, यहाँ पे देखो जब भी ऐसा हो कि सेल के अंदर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही प्रेजेंट है और उसके बाद आउटसाइड से और भी वाटर इसके अंदर आता है ऑस्मोसिस मेथड से, तो ये सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें क्या हो जाएगा, तो सेल जो होगा वो ओवरफ्लो हो जाएगा और उसमें से पानी जो है रिलीज होने लगेगा। ठीक है, यानी उसमें हम बोल सकते हैं कि पानी जो है ओवरलोड हो जा रहा है और उसके वजह से वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे ऐसा बोला, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन हैज द सेल देयर विल बी नो नेट मोमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स एंड सच ए सॉल्यूशन इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले में ये बात की थी कि वाटर हद से ज़्यादा अगर भर जाएगा तो उसमें क्या होगा, वाटर जो है वो बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें वाटर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आ जाती है। दूसरे वाले में क्या है, तो देखो जितने वाटर की ज़रूरत होती है उतना ही वाटर इसके अंदर आता है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को भी टिक कर लेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें ओवरलोड वाटर भरता है, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें हम देख सकते हैं जितने वाटर की ज़रूरत है उतना ही उसके अंदर आता है, और तीसरे हम देखेंगे तो यहाँ देखो जितने, यानी हमारे तीसरे में ऐसा बोला गया कि अगर सेल को जितने वाटर की ज़रूरत है और उतना नहीं मिलता है तो क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये होता है यहाँ पे सेल में जो होता है ना उसके वाटर भी लूज़ होने लगता है। ठीक है ना, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स उसने एब्जॉर्ब भी किए होते हैं ना वो भी लूज़ होने लग जाते हैं, और इसी सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी हम ऐड कर लेंगे, ये चीज़ तुम्हें अपनी नोट में लिखना है। और यानी जब भी पानी की कमी हो जाती है सेल में, तो सेल जो है ना वो श्रिंक होने लग जाता है। ठीक है, यानी तैरने लग जाता है। ठीक है, डूबता नहीं, ये चीज़ होती है। अब समझ आया कि क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल से, यानी पहले जो जितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होते उससे अगर ज़्यादा भर जाए तो वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, यानी वो सॉल्यूशन जो बनता है उसे क्या बोला जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की वजह से सेल में से जो है पानी बाहर निकलता है। ठीक है, और सेकंड नंबर में हमने देखा था कि जितना सेल को वाटर चाहिए होता है, मॉलिक्यूल चाहिए होता है, उतना ही उसको मिलता है। ठीक है, और इससे कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। थर्ड में हमने देखा था कि सेल को जितने वाटर की ज़रूरत होती है उतना नहीं मिलता है, और इसी की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ठीक है, और ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें क्या होता है, सेल जो है अपना डायरेक्शन भी भूल जाता है, और इसके अलावा सेल जो है वो तैरने लग जाता है। ठीक है, हल्का हो जाता है इसके वजह से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।